सो हेलो गाइस, अभी हम स्टार्ट करने वाला आपका नेक्स्ट डेट इज योर नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, डेट इज जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी बेसिकली क्या है? जीन थेरेपी मतलब आप फॉल्टी जीन, जो जीन डैमेज था बा खराब था, उसको आप रिप्लेस करोगे विथ फंक्शनल जीन। ठीक है, सो इट इज ए मेथड टू करेक्ट ए जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड और एम्ब्रायो। ठीक है, चिल्ड्रेन में भी कर सकते हो या जब एक बेबी माँ के पेट में डेवलप हो रहा है एम्ब्रायो, तब भी आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो करेक्ट जीन है, सो जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल। ठीक है, जो बीमारी इंसान में वो जीन डिफेक्ट है उसमें इंसर्ट कर दोगे आप, या सेल या टिश्यू में, टू ट्रीट द हेरिडिटी डिजीज। एक हेरिडिटी डिजीज होता है, मतलब पेरेंट्स है बच्चे में इनहेरिट होता है, एंड इट कंपनसेट्स फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। आपके शरीर में जो बेकार का जीन था उसके जगह में आके आप काम करने लगेगा। क्यों? बिकॉज आपने आर्टिफिशियली इंसर्ट किया। सो कैसे इंसर्ट करेंगे? वेक्टर की मदद से। ठीक है, और ये सब प्रोसेस कहाँ आएगा? बायोटेक में आएगा ऑलरेडी ये सब। ठीक है, सो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू ए 4-year-old गर्ल, और उस गर्ल का नाम था, ठीक है, अशांति डी सिल्वा, ये नाम था उसका। ठीक है, और इसे अमेरिका का NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिसिन में ये दिया गया था। सो नाम तो इतना जानना जरूरी नहीं है, आप जान सकते हो नॉलेज के लिए। तो ये अभी तो ये देखने में फोटो में बड़ा दिख रही है। ठीक है, 1990 में ये छोटी थी, 4 साल की थी। सो 1990 में जब ये 4 साल की थी तो इसके शरीर में एक एंजाइम नहीं था, उस एंजाइम का नाम क्या था? एडिनोसिन डी एमिनेस। ठीक है, ADA, एडिनोसिन डी एमिनेस। अब फिर से एंजाइम में, तो एंजाइम आया कहाँ से? सो एंजाइम क्या है बताओ? एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन ही मॉडिफाई होकर एंजाइम बनता है। तो प्रोटीन बनेगा कहाँ से? DNA से mRNA बनेगा, mRNA से आपका प्रोटीन बनेगा, तो यही प्रोटीन आपका एंजाइम बनेगा। अब एंजाइम नहीं है मतलब क्या? आपका वो डीएनए पार्टिकुलर, जो डीएनए का पार्टिकुलर जो सेगमेंट था, ये पार्टिकुलर सेगमेंट जो आपका एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है, कौन सा प्रोटीन? ये एडिनोसिन डीएमएनएस के लिए जो प्रोटीन बनाता है, ये फ्रेगमेंट डिफेक्टिव है, इसलिए तो इसको डिफिशियंसी हो रहा है। ठीक है, सो ये जो ADA जीन है, ये कौन सा सेल से बनता है? तो लिम्फोसाइट से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट से बनता है। सो लिम्फोसाइट का डीएनए में आपका वो पोर्शन जो ये एंजाइम बनाता था वो जीन नहीं था, डिफेक्टिव था। ठीक है, सो इट इज कॉज ड्यू टू द डिलेशन ऑफ द जीन फॉर द एडिनोसिन डी एमिनेस द एंजाइम। और ये एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए। ये एंजाइम नहीं रहेगा तो आपका जो शरीर का इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर आपका शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया तो क्या होगा? आपको कोई भी नॉर्मल अगर बैक्टीरिया या वायरस आपको इन्फेक्ट किया तो आपको बॉडी में एंटीबॉडी से प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अच्छे से काम नहीं करेंगे, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप क्या होगा, आप काफ़ी इम्यून हो जाएंगे ना इससे, तो आपका डेथ भी हो सकता है। सो पहले में अर्ली 1980s में ऐसा बच्चे को जिसमें ये जीन नहीं बनता था ना, उनको नशा जैसे ट्रैकसूट पहना देते ना एकदम, वैसे एकदम कवरिंग करके रखा जाता था ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हवा में भी दुनिया भर का वायरस एंड बैक्टीरिया उड़ते फिरते रहता है। ओके, सो इन्फेक्शन ना हो बल्कि उसे को पूरा ढक के रख दिया जाता था नासा की तरह ड्रेस पहना के। सो उस समय में उस बेबी को हम कहते थे बबल बेबी, क्योंकि बबल बेबी मतलब फूला फूला दिखाई देता था, नासा एस्ट्रोनॉट, देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, सो इसका ट्रीटमेंट क्या था? इसका ट्रीटमेंट था कि आप बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते थे। ठीक है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, बट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन आपका परमानेंट क्यों नहीं है? कितना दिन तक करते रहोगे आप बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन? ठीक है, ये परमानेंट क्यों नहीं है? या फिर एक इसका और उपाय है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी? मतलब आप एंजाइम को रिप्लेस करोगे, कौन सा एंजाइम? ADA एंजाइम को, ठीक है, इंजेक्ट कर दोगे आपका उस पेशेंट में जिसमें ये एंजाइम नहीं बनता। बट ये कितना दिन तक करोगे? बिकॉज एंजाइम का एक लिमिट है, जब तक उसका एक्टिव साइड है वो काम करेगा, फिर एक्टिव साइड खत्म तो खेल खत्म। सो कितना दिन तक एंजाइम रिप्लेस करोगे? सो दिस टू आर नॉट ए परमानेंट केयर, कंप्लीटली इस प्रोसेस से आप केयर नहीं कर सकोगे, क्योर नहीं कर सकोगे। ठीक है, सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि लंबे समय तक इसको कैसे लास्टिंग करवा जाए? सो ये आपका अगर चाइल्ड एज में ही पकड़ा गया, एम्ब्रायो स्टेज में ही पकड़ा गया, तब परमानेंट क्योर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी ये ऐसा डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा, सिंगल सेल जैगर से होगा, एक से दो सेल बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से क्या बनेगा, आठ बनेगा, आठ से 16, और आज हम बिलियंस एंड बिलियंस कॉपी बनावाए। तो बना कहाँ से? ये सिंगल सेल जैगर से बनावाए। सो अगर आप अर्ली 8-16 सेल स्टेज में ही रहते हो, और तभी ये बीमारी आपका अगर पता चल जाता है बाई डूइंग सम टेस्ट लाइक एमनियोसिंथेसिस और सम अदर टेस्ट, तो
तो क्या होगा, आप उसी समय ये 8 से 16 सेल को आप करेक्ट कर लोगे अपना जीन को डाल के, ठीक है, एडीए वाले जो डीएनए जीन था उसको डाल के करेक्ट कर लोगे। सो इसके ये अगर ठीक हो गया 8 से 16 सेल, तो जो भी बच्चा बनेगा वो भी पूरा प्योर एकदम मस्त रहेगा, चंगा रहेगा। क्यों? बिकॉज यही 8 या 16 सेल से डिवाइड करके 32 बनेगा, 64 बनेगा, 128 बनेगा, 256 बनेगा, 512 बनेगा, ठीक है, तो सब सेल्स नॉर्मल रहेंगे। सो परमानेंट क्योर तभी है जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आप उसको ठीक कर दो, ठीक है, एडीए जीन जो है आप वहाँ इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, यही परमानेंट क्योर है। और बाकी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी एंड योर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आर नॉट परमानेंट क्योर। उसके अलावा और एक उपाय है जो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा समय तक है, वो है कि आपका जीन थेरेपी फॉर एडीए डिफिशियंसी। इसमें आप क्या करोगे, जो भी पेशेंट है जिसको बीमारी है जिसका लिम्फोसाइट में एडीए एंजाइम नहीं बन रहा, एडीए एंजाइम नहीं बन रहा मतलब एडीए के लिए जो जीन था वो नहीं है, वैसा लिम्फोसाइट को आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, पेशेंट का ब्लड से, और उसको आप लेब में लाके कल्चर में ग्रो करोगे दुनिया भर का, ठीक है। अब कल्चर में ग्रो करने के बाद उस लिम्फोसाइट में आप फंक्शनल एडीए एडीनोसाइन डीएमएनएस का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दोगे। क्यों फिर से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, डीएनए क्यों नहीं एडीए डीएनए, बिकॉज एडीए एडीए के अगेंस्ट में डीएनए डालोगे तो वह नॉन कोडिंग एनकोडिंग दोनों होता है। सो डायरेक्टली हम जो भी एडीए एंजाइम के लिए जो डीएनए पार्टिकुलरली सीक्वेंस है उसको ही डालेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डालेंगे, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट के लिम्फोसाइट में लैब में, फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इनटू द लिम्फोसाइट। अब भाई लिम्फोसाइट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालोगे, एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, गाड़ी तो चाहिए, टैक्सी व्हीकल, कौन है वो व्हीकल। सो एनिमल में हम बेसिकली रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं, भाई इसको एडिनो वायरस भी कहा जाता है, डरना मत, ठीक है, इस वेक्टर की मदद से आप डाल दोगे। अब अगर पेशेंट का लिम्फोसाइट में अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अब डाल चुका है, ठीक है, आपका जो भी एडीए जीन था आपने उसको डाल दिया और वो इंटीग्रेट कर दिया, देखिए यहाँ में आपका था डिफेक्टिव, ये पेशेंट का लिम्फोसाइट लिया गया, लिम्फोसाइट को जब देखें आपने डिफेक्टिव एडीए जीन था, ठीक है, आपने वहाँ में डाल दिया अपना इफेक्टिव वाला जीन, कॉम्प्लीमेंट्री एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया। अब आपका क्या हो गया, ये करेक्टेड एडीए जीन हो गया, एडीए जीन हो गया मतलब एमआरएनए बनेगा, अब ये आपका एडीए एंजाइम बना सकता है। अब इस मतलब लिम्फोसाइट को आप फिर से कल्चर करोगे और ये लिम्फोसाइट को आप ब्लड के थ्रू से फिर से पेशेंट में लौटा दोगे। अब पेशेंट का जो लिम्फोसाइट है आप लेब में से डाल के लिम्फोसाइट डाले हो, सो उसका लिम्फोसाइट आप एडीए एंजाइम बना सकता है, एडीए एंजाइम बनेगा तो उसका इम्यूनिटी अच्छे से काम करेगा एंड ही कैन सर्वाइव। बट ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, क्यों, बिकॉज लिम्फोसाइट तो आपका इमोर्टल नहीं है, लिम्फोसाइट एक सेल ही है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा, उसके बाद इसका भी खत्म हो जाएगा। तो इसका भी एक ही डिफिशियंसी है कि आपको यू नो पीरियडिकली ये करते रहना पड़ता है, बिकॉज लिम्फोसाइट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो परमानेंट क्योर इसका यही है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आप अपना एडी के अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल के करेक्ट कर लो तो ही परमानेंट क्योर है, वरना परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है। सो आई होप गाइस जीन थेरेपी आपका कंप्लीटली क्लियर हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो, समझ में आया हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, एनी इंप्रूवमेंट या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ, अच्छा लगता है मेरे को भी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, समझा पाऊँ बातों को, ठीक है। सो समझ में आता है कि नहीं आप जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं आता है तो भी बताएगा, नहीं आने से मैं आई हैव टू इम्प्रूव माई वे, ठीक है, मेरे को समझाने वाला तरीका बदलना पड़ेगा। सो आई होप गाइस यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू वेरी मच।